अतुलित बल घाम महेम सैलाब देहम धनुज वन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम सियावर रामचंद्र की जय। कथा सत्संग में ऑनलाइन से जुड़े सभी विद्वत संत जन, कथा से जुड़ने वाले परम आदरणीय श्री पटेल जी एवं उनके सभी साथियों, आज आप लोग विभिन्न श्रोताओं के माध्यम से सुंदरकांड की विभिन्न प्रसंगों पर आप लोग कथा सुन चुके हैं और सुनते आ रहे हैं। आज दूसरी बार मुझे भी इस सत्संग से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए, जुड़ने से पहले मैं आप सबसे यह चाहूँगा कि जो कुछ त्रुटि होगी उसे आप लोग ध्यान ना देते हुए क्षमा करेंगे। आज मुझे जो प्रसंग पर आप लोगों के साथ चर्चा करना है, भगवान राम का निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात एक चौपाई का शाब्दिक अर्थ है कि भगवान राम के पास सुग्रीव जी जो है आकर के कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि विभीषण रावण का भाई जो है आपसे मिलने आया है। तब हम उनसे पूछते हैं कि सखा सुग्रीव आपका क्या विचार है। इस पर सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जान न जाई निशाचर माया। निशाचरों की जो माया है वो जानी नहीं जा सकती, क्योंकि पता नहीं उनके अंदर में छल छिद्र भरा होता है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपना विचार व्यक्त करते हैं। जब किसी व्यक्ति का विचार को न
नकारात्मक उसको मतलब नकारना है तो सबसे पहले उसे सीधा सीधा नहीं तुम्हारा बात ठीक नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है, राजनीति की दृष्टि से सुग्रीव आपका विचार जो है बहुत उचित है, लेकिन मेरे विचार से ऐसा है कि मैंने एक प्रण किया है कि जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, यदि वह मेरे पास आता है, शरण में आता है, तो जितने भी जीव जंतु हैं शरण में आ गए तो शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा प्रण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विभीषण जो है वो मेरे पास आए, और यदि वह राक्षस है तो राक्षस से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जग मह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष मह तेते। जितने भी राक्षस हैं संसार के उसे तो पल भर में हमारे अनुज लक्ष्मण जो है उन्हें संहार कर सकते। भगवान कहते हैं कि सुग्रीव निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये विभीषण जो है आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी के पास जाता है तो तीन कारणों से जाता है, भाव से, प्रभाव से और अभाव से। विभीषण जो है भगवान के पास आया है तो श्रवण सुजस सुनि आया हूं, यानी भगवान के प्रभाव को सुन करके विभीषण जो है आया है। इसी प्रकार भगवान के प्रभाव को देखने के लिए जयंत भी भगवान के पास आया और माता सीता के चरणों में चोंच मारकर चला जाता है। बाद में जब ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शंकर भगवान के लोक और सभी लोकों में जब वो पहुंचा और नारद देखा विकल जयंता, नारद जी है उनको व्याकुल देख करके संत के स्वभाव के कारण से उन्हें भगवान के पास ही भेजते हैं, तो भगवान ने जयंत को कहा कि जयंत तुमने सीता के चरणों में चोंच क्यों, को सुन करके आए हैं, श्रवण सुजस सुनी आया हूं। दुष्ट हृदय अर्थात जिसके अंदर में छल छिद्र भरा हुआ हो, ऐसे छल छिद्र से युक्त प्राणी कहते हैं कि वो तो भगवान के पास पहुंच ही नहीं सकता। ईश्वर के पास जाने के लिए सबसे पहले महत्व की बात, आवश्यक शर्त यह है कि हमारा मन जो है निर्मल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। मन के अंदर यदि दुर्गुण भरा होगा तो वह भगवान को पा ही नहीं सकता। संतों ने कहा है कि ईश्वर को मन के द्वारा ही पाया जा सकता है, लेकिन इस मन के बारे में बड़े बड़े संत विद्वत जन कहते हैं कि इसे निर्मल करना बड़ा कठिन है। मन के द्वारा तो ईश्वर को पाया जाता है, लेकिन कौन से मन, निर्मल मन, तो इस मन को निर्मल करना बड़ा कठिन है।
ये मन जो है बड़ा ही चंचल है। मनुष्य को संसार में बांधने वाला ये मन है और बंधन से छुड़ाने वाला भी यही मन है। कहा गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। देखा जाता है कि मन जो है मक्खी के समान है। मक्खी जैसे समीप में दूध का कटोरा भरा हुआ है तो वहां जाकर के बैठ जाता है और थोड़ी देर में वही मक्खी जो है गंदगी में जाकर के बैठ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं तो अभी दूध के कटोरा में बैठा हुआ था। अर्थात मन जो है बड़ा ही चंचल है, कहीं थोड़ी देर में इधर थोड़ी देर में उधर होता है। गीता में भी अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, इसे तो वश में किया ही नहीं जा सकता। अब सोचने की बात है कि आखिर ये मन ऐसा है क्यों, और बाद में पता लगता है कि ये मन बनता है अन्न से, और जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसका मन हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा मन सात्विक रहेगा और परमात्मा की ओर हमें ले जाने में सहायक होगा, और यदि हमारा अन्न हमारा भोजन दूषित होगा तामसी होगा तो यह मन जो है हम भगवान को धन्यवाद देते रहें चाहे वो जैसा भी रहे, चाहे बीजी राखे राम चाहे बीज रहिए। ईश्वर परमात्मा जो है हर पल हर क्षण हमारी हमारे ऊपर कृपा करते ही रहते हैं, है ना। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई मुझे पाना है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल चित्र न भावा। ये दो बातें, पहला बात है कि निर्मल मन और दूसरी बात है कि छल छिद्र। निर्मल मन ही ईश्वर का पसंद है, तो हमारा मन निर्मल कैसे होगा। मन की बुराइयां क्या है, मन की बुराइयां है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और जब तक के हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर रहेगा अर्थात छल छिद्र भरा रहेगा तो भगवान के समीप जाने की पात्रता हमने नहीं है। संतों ने बताया कि मनुष्य के मन में अनेक दोष अनेक अवगुण भरे हुए हैं। ऐसे मन को निर्मल करने के लिए एक ही उपाय है और वो उपाय है एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ने साधक को एकमात्र भगवान पर ही विश्वास करना चाहिए। जब तक के शरीर में अपनापन है, जब तक के हम अपने जीवन में भोगों को महत्व देते हैं, राग है आसक्ति है, तब तक के भगवान के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता। कहते हैं कि भोग और जो संग्रह की और सुख की जो पराधीनता रहती है हमारे मन के अंदर में, जो रस बुद्धि होती है उसी के निवृत्त हो जाने पर ही ये मन जो है निर्मल होता है। यानी हमें हमारे अंदर में स्वाधीनता आ जाए, स्वाधीनता ही मन निर्मल है, इसी को मुक्ति कहते हैं, जो प्रभु सम्मुख होने का फल है। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो कबीर दास जी ने एक बड़ा ही सुंदर दोहा कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि मिले कहत कबीर कबीर। तो मन को निर्मल करने का अनेकों साधन अनेकों कर्म कांड है, परंतु साधनों से मन जो है और अधिक उलझ जाता है। जितने हम साधन करते हैं उतने ही मन जो है उलझ उलझ जाता है और संसार में बंधन में पड़ते जाता है।
कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर बात कहा है कि यह संसार कांटों की बाड़ी उलझ उलझ मरी जाना है, यह संसार झाड़ और झाकर और आग लगे है जाना है। तो कहे कबीर सुनो भाई संतो, सतगुरु नाम ठिकाना है। मन मोह में फंसा होता है और यहां से निकलने का एकमात्र साधन है, वो सरल उपाय है सत्संग। सत्संग में क्या होता है, सत्संग में हमको भगवान की कथा सुनने को मिलता है और कथा सुनने से व्यथा, मन की व्यथा जो है दूर हो जाती है और मन में जो व्यथाएं होती है मोह के कारण से, जब मोह दूर हो जाता है तो भगवान के चरणों में प्रेम लग जाता है। बिन सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। सत्संग करने से किसी का मन जीवन बदल जाता है और किसी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सत्संग चाहे कितनों भी करे लेकिन उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि पापवंत कर सहज सुभाव, और भजन मोरी तेहि भाव न काऊ। जिसका मन जो अभिमानी होता है, जो दूसरे की बात को सहन नहीं कर सकता, जिसके अंदर में अज्ञानता है और जिसके अंदर में कुतर्क भरा हुआ है ना, ऐसे मनुष्य के जीवन में जब आफत आती है तब वह चेत जाता है, यानी मूर्खानाम औषधम दंडम, मूर्खों के लिए दंड देना ही औषधि है। भगवान ने कहा कि पापवंत जो व्यक्ति है, पापवंत कर सहज स्वभाव, उनके सहज स्वभाव उनको भगवान की कथा अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से निष्काम प्रेम करना ही सत्संग है। जीवन में मुक्त जो संत हैं, ऐसे संतों के साथ बैठना भी एक सत्संग है। ऐसा नहीं कि हम केवल रामायण को निकाल लिए, भजन कीर्तन गा लिए और हो गया सत्संग। ये बहुत निम्न स्तर का सत्संग है, लेकिन उच्च स्तर का सत्संग यही है कि जीवन मुक्त जो संत है उसके पास हम बैठे। हमारा मन यदि संसार से विमुक्त हो जाता है तो भी वो भी सत्संग है। तात्पर्य है कि हम किसी भी प्रकार से भगवान के सम्मुख हो जाएं, यही सत्संग है। और बिना सत्संग के बिना, बिना भगवान के भजन के बिना मन निर्मल हो ही नहीं सकता। वारी मथे गृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भौतर ही यह सिद्धांत अपेल। सत्संग के संतो, सत्संग के निर्मल जल से हमारा मन जो है शुद्ध होता है, और मन शुद्ध हो जाए यही प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो निर्मल मन ही पसंद है। ईश्वर के सामने छल छिद्र रूपी अंधकार से कोई लेकर के कोई भी प्राणी नहीं पहुंच सकता। जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता, उसी प्रकार से छल छिद्र रूपी अंधकार से कोई भी लेकर के कोई भी व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंच। हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, माने मनुष्य के पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं और एक मन होता है, और एक मन ही 10 इंद्रियों का राजा होता है। ये मन ईश्वर की ओर ले जाए, ऐसे साधन उपाय भगवान जो है लंका कांड में विभीषण को भी एक बार समझाते हुए कहे कि ये जो सौरज धीरज सही बल चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पटाका, बल विवेक दम पर हित गोरे,
छोरे और क्षमा कृपा समता रज जोरे ईस भजन सार थी सुजाना विरत चर्म संतोष सुजाना और सखा धर्म मैं असरथ जाके और जीत न कहुन कटहु रिप ताके। माने जिसके पास ऐसा दृढ़ मन होगा, ऐसे जिसके पास दृढ़ धर्म होगा, वो उनके अंदर में, उनके मन के अंदर में किसी प्रकार की बुराई जो है आ ही नहीं सकता। और वही जो है अपने अज्ञानता रूपी जो रावण है के ऊपर वही मन जो है विजय प्राप्त कर सकता है। ये मन को हमेशा संयम में रखना चाहिए। कहे ना कि देखना इंद्रियों के न घोड़े अड़े, इसे संयम के दिन रात कोड़े पड़े। अपने मन को सुमारग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो संतों ने कहा है कि जो व्यक्ति जितना संयम नियम और मन को साफ निर्मल करना चाहता है वो सांसारिक उलझनों में फंस जाता है। क्योंकि जो देवतागण है ना वो भी इंद्रियं सुरन न ज्ञान सुहाई विषय मोह पर प्रीत सहाय। माने ये जो इंद्रियां है विषय वासना का लोभी है। हम कितनों भी इंद्रियों से सुख भोग ले, लेकिन यह इंद्रियां जो है तृप्त नहीं होता। इसीलिए इस इंद्रियों का जो राजा है मन, उसके ऊपर हमें संयम बरतना ही होगा। मन को यदि हम स्वतंत्र छोड़ देंगे तो मन जो है इस जीव को गर्त में ले जा करके गिरा देगा। ये इंद्रियां जो है, इंद्रियों के ऊपर जो देवताएं जो बैठी हुई हैं, वो मन को भोग की ओर आग्रसित करते हैं, भोग की ओर। जैसे मन, जैसे पानी है, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। उसी प्रकार मन जो है हमेशा नीचे की ओर, गंदगी की ओर जाता है। तो जिस प्रकार से हम जल को ऊपर उठाने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं तो जल ऊपर चला जाता है, उसी प्रकार से मंत्र के द्वारा हम अपने मन को ऊपर भगवान की ओर ले जा सकते हैं ज्ञान के द्वारा। लेकिन ये ज्ञान क्या पंथ कृपाण की धारा कहा गया है। ये ज्ञान भी बड़ा ही कठिन रास्ता है, कठिन मार्ग है। इसलिए प्राणी के वश में नहीं है कि वो अपने मन को शुद्ध कर सके, मन को वश में कर सके। तो इसके लिए भगवान ने बड़ा ही सुंदर भाव बताया, सेवक सेव्य भाव बिना भव न तरहि उर्गार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। तो भगवान राम कहते हैं कि हे सखा सुग्रीव, विभीषण यदि मेरे शरण में आया है तो निश्चित रूप से ये जान लो कि उसका मन निर्मल हो गया है। जब उसका मन निर्मल है तभी वो मेरे पास आया है। अर्थात विभीषण ने ये निश्चय कर रखा है कि भगवान के शरण में जाने से ही उसका कल्याण हो सकता। और हर जी को ऐसी निश्चय कर लेना चाहिए कि भगवान के शरण में जाने से ही मेरा कल्याण होगा। रावण को विभीषण ने बार बार समझाया कि आप सीता को वापस कर दो, राम के शरण में जाने से ही आपका कल्याण होगा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे भाई रावण, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर, आप राम को ही सत्य जाने, परंतु रावण जो है विभीषण की बात नहीं माना। इस पर विभीषण का विवेक हुआ, उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने लंका के राज्य को त्याग करके भगवान के शरण में जाने के लिए निश्चय कर लिया।
तो भगवान जो है सब अपने सिद्धांत को, इसी बात को सुग्रीव को बताया कि जीव जो है बिना शुद्ध मन से मेरे पास आ ही नहीं सकता, छल छिद्र लेकर तो आ ही नहीं सकता। तो जब जीव निश्चय कर लेता है कि मुझे राम के शरण में जाना है, तब उसका समस्त दोष, जब जैसे ही वो जीव अपने मन में निश्चय करता है वैसे ही उसका दोष जो है समाप्त हो जाता है। और भगवान राम उनके समस्त पाप कर्मों के फल को समाप्त कर देते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसी बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तुम्हें ना तो कर्म योग करने की आवश्यकता है, ना तुम्हें ज्ञान योग की आवश्यकता है। तो अर्जुन ने पूछा, तो प्रभु आखिर मैं करूं क्या? तो भगवान ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक काम करो, सर्व धर्मां परित्याज मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वर सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ए अर्जुन, तुम सब धर्मों को, सब कर्मों के फल को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार से भाव जब जीव के अंदर आता है, ये निश्चय कर लेता है कि मुझे भगवान के ही शरण में जाना है और बिना भगवान के शरण में जाए बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, तो चाहे वो कितनों भी पापी से पापी क्यों ना हो, कोटि विप्र बध लागे ही जाए। भगवान कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या करके कोई जीव यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान के शरण में जाऊंगा, क्योंकि मेरे जितने भी पाप हैं वो सब पाप भगवान के शरण में जाने से छूट जाएगा। तो बात यह है कि पहले इस जीव को भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, और जब तक के हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक के हमारा मन जो है निर्मल हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि मन निर्मल हो। और आगे चल करके भगवान ने सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव, ये तो मेरा सिद्धांत है, इसलिए दोनों प्रकार से यदि वो राक्षस कपट भाव लेकर के आया है तो हमारे लक्ष्मण अनुज भाई जो है वो राक्षसों का संहार कर देंगे, और यदि वो मेरे शरण में आया है, भयभीत होकर के आया है, यदि वो मेरे प्रभाव को सुन करके आया है, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने शरण में रखूंगा, क्योंकि शरणागत को जे तज ही निज हित अनहित मान, अपने हित अनहित को समझ करके जो शरण में आए हुए जीव को रक्षा नहीं करता, शरण नहीं देते, उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। तो जनों, ये मन, मन के ही बारे में कहा जाए तो मन जो है, मारीच को भी मन कहा गया है। जब मारीच जो है कपट मृग बनने के लिए जब पहुंचा तो वो भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करता है कि आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों को श्री भरत जी ध्यान करते हैं, उन चरणों का दर्शन मिलेगा जिन चरणों का ध्यान माता सीता जी ने किए हुए हैं, और इस प्रकार से उनका मन जो है भगवान की ओर जाता है। तो जो मन भगवान की ओर प्रेरित करे वो मन अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर में वही मन जो है, वही मारीच जो है सीता को भगवान से दूर कर दिया। अर्थात जब ये मन भगवान की ओर ले जाता है तो ये मन अच्छा है, यानी मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधम मोक्ष कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि
यदि हमारा मन परमात्मा की ओर जाता है तो ये मन अच्छा है, और यह मन यदि परमात्मा से अलग करने का काम करता है, जैसे सीता को उन्होंने राम से अलग कर दिया, तो अलग करने से यह मन जो है दुष्ट हो गया। तो मन दो प्रकार का हो गया, यही मन दुष्ट हो जाता है और यही मन जो है अच्छा भी हो जाता है। तो मन को अच्छा अच्छे की ओर ले जाए, मन जो है अच्छे कर्मों में ही लगा रहे, इसके लिए हमें नित्य सत्संग करना चाहिए। और ये सत्संग जो है बड़ा मुश्किल से मिलता है। कहा गया है कि ता तो मिले पुनि मा तो मिले सुत धा तो मिले युवती सुखदाई, और राज मिले गज राज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले पर लोक मिले बिजलोक मिले बैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर यह संत समागम दुर्लभ भाई। तो बड़े भाई बड़े भाग पावै सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भव भंगा, है ना। बड़े मुश्किल से हमें सत्संग करने का अवसर मिलता है, और जब भी हमें सत्संग करने का अवसर मिले तो समझ हम ये समझना चाहिए कि हमारा मन जो है निर्मल होते जाएगा। ज्यों ज्यों हमारा मन निर्मल होगा, क्यों क्यों हमारा मन प्रभु के चरणों में लगने के लिए आतुर हो जाएगा। इसके लिए सतत प्रयास हम करें कि हमारा मन निर्मल हो, हमारे मन के अंदर में छल छिद्र ना हो, और जो भी छल छिद्र हैं वो हमसे हमसे तो दूर होगा नहीं, भगवान से ही हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके ही चरणों में आपके ही दर्शन से हमें सुख मिलता है। जैसे कहा है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे भगवान, सच्चा सुख आपके ही चरणों में होते हैं। जैसे सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एकहु बाधा, जिस प्रकार अगाध जल में रहने वाली मछली जो है सुखी रहती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में भगवान के शरण में रहने वाला जीव को अपार सुख आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार हम चाहें कि हम अपने मन को भगवान के शरण में लगा दें, हमारा मन भगवान की ओर अग्रसित हो, भगवान के चरणों में प्रिय बन जाए और छल से रहित हो जाए, ताकि भगवान के हम प्रिय बन सकें। इन्हीं आशाओं के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय।